और जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो उनके साथ में मौजूद है, अंदर गए हैं। और सरकार बनाने का दावा कल ही पेश किया गया था, तमाम जो विधायक थे वो पहुंचे हुए थे। और जब चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया था उसके तुरंत बाद जो है नई सरकार बनाने का दावा भी ठूक दिया गया था। और आज राजभवन की ओर से बुलावा भी आ गया है, और बुलावा लगभग 12:30 बजे का समय दिया गया था। और लगभग 12:30 बजे जो कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और संभवतः नेक्स्ट सीएम भी जो है वो हो जाएंगे कुछ दिन में, तो वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में बहुत सारे जो नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के जो साथ में हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो हो सकता है कि आमंत्रण पत्र जो है अंदर से मिल सकता है, और कब शपथ ग्रहण होना है इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। और जो डेट लगातार सामने आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि 7 जुलाई को शपथ ग्रहण हो सकता है, इस पर भी कह सकते हैं एक आधिकारिक जो ठप्पा है वो लग जाएगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं राजभवन के बुलावे पे, और जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन उनसे मुलाकात होगी, उन्हें एक पत्र सौंपा जाएगा, और उस पत्र के माध्यम से जो है अब वो सरकार बनाने की कवायद को शुरू कर सकते हैं। हालांकि डेट जो है एक बार फिर से उसके ऑफिशियल घोषणा की ऑफिशियल पुष्टि का जो है इंतज़ार करना होगा, क्या वो 7 जुलाई है या फिर कोई और डेट निर्धारित किया गया है। तो अंदर चले गए हैं, जो तस्वीरें जो है वो आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से, ये दोपहर का तस्वीर है, आपने शाम की जी तस्वीर देखा था आपको देर शाम की, जब यहाँ की तस्वीर जो है बदली बदली सी नज़र आ रही थी। और जब राज्य के जो पूर्व सीएम थे अभी कार्यवाहक सीएम के रूप में जो है कार्यभार संभाल रहे चंपई सोरेन, वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे, तो उनके साथ जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन वो भी पहुंचे हुए थे, और बहुत सारे मंत्री और विधायक जो थे उस समय के वो भी पहुंचे हुए थे, और एक अलग सा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। और अभी की जो तस्वीर है वो आपको अलग दिखाई देगी, हो सकता है कि जब यहाँ पर शपथ ग्रहण की डेट निर्धारित हो जाए तब कुछ अलग तस्वीर जो है यहाँ पर दिखाई देगी, और बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ आना जाना हो सकता है। तो कुछ देर में जो है जो कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के और एक बार फिर से सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे, तो उनसे हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ डेट जो है वो मिला है, और डेट मिला है तो कितने बजे जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, और मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। तो तस्वीर जो लगातार हम दिखा रहे थे नवीन, ये राजभवन की तस्वीर है, और जैसे ही कुछ देर में पहुंचेंगे हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पर बाइट के लेने का जो सिलसिला होता है उसके हिसाब से अगर कहूँ तो कुछ देर में मैं जुड़ पाऊँगा आपसे यहाँ पर, जब यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और जो नेक्स्ट सीएम है झारखंड के वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। तो चलिए ठीक है, कल की अगर हम बात करें नीरज, तो बुधवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा अगर हम झारखंड के लिहाज से देखें। पल पल जो राजनीतिक घटनाक्रम रही वो घटती रही, कभी राजभवन तो कभी सीएम आवास, राजनीति दोनों ओर शिफ्ट होती रही। और देखिए अब सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है हेमंत सोरेन ने, 7 जुलाई संभावित तिथि मानी जा रही है, और उस पर अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, जब नेता मिलकर बाहर आएंगे उसके बाद जब मीडिया से वो बातचीत करेंगे उसके बाद और कुछ चीजों पर मुहर लगने का इंतजार है। तो नीरज आप नजर बनाए रखिएगा तमाम गतिविधियों पर, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो झारखंड में एक बार फिर से सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है राज्यपाल के बुलावे के बाद। इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं, राज्यपाल से मुलाकात के बाद जब इंडिया गठबंधन के नेता बाहर आएंगे क्या जानकारी वो मीडिया को साझा करते हैं उसके आधार पर हम ये बता पाएंगे आपको कि जो संभावित तिथि है 7 जुलाई की, क्या वही तिथि रहेगी जब हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और तीसरी बार झारखंड की बागडोर संभालेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।